नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे तुकोजी राव होलकर के बारे में। तुकोजी होलकर 1795 से 1797 तक इंदौर के मराठा सूबेदार थे। तुकोजी राव मल्हार राव होलकर के दत्तक पुत्र थे। मल्हार राव होलकर ने अपनी मृत्यु शैया पर तुकोजी के बारे में कहा था कि केवल आप ही है जो मेरे नाम को बरकरार रख सकते हैं। तुकोजी मल्हार राव होलकर के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। मल्हार राव होलकर के मृत्यु के बाद कुछ समय तक उनके पोते माले राव ने इंदौर का शासन संभाला, परंतु उनका जीवन काल बहुत छोटा था। 1767 में अल्पायु में ही बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसके बाद मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू अहिल्याबाई ने शासन संभाला। गद्दी पर बैठते ही अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को मालवा प्रांत का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अहिल्याबाई तुकोजी का बड़ा सम्मान करती थी और उन पर बड़ा भरोसा करती थी। तुकोजी होलकर ने भी पूरी उम्र देवी अहिल्याबाई के प्रति निष्ठावान रहे। मालवा में जितना सम्मान मातोश्री अहिल्याबाई का था, उतना ही तुकोजी होलकर का भी था। अहिल्याबाई पूरा समय प्रजा की सेवा, दान धर्म का काम, पूजा पाठ सब करती थी। वे निश्चिंत होकर ये सारा काम इसलिए कर पाती थी क्योंकि मालवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुकोजी होलकर के मजबूत कंधों पर था। तुकोजी ने मालवा के सुरक्षा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। एक योद्धा के रूप में तुकोजी होलकर की अनेक उपलब्धियां हैं। उत्तर में लाहौर, पेशावर, अटक तक तुकोजी ने मराठा साम्राज्य के लिए लड़ाइयां लड़ी। 1758 में तुकोजी ने झेलम नदी पार कर अटक में अफगानों को पराजित किया। 1771 में तुकोजी होलकर ने महादजी शिंदे के साथ मिलकर रोहिलों के हाथों से दिल्ली जीता। प्रथम आंगला मराठा युद्ध में तुकोजी होलकर ने अहम भूमिका निभाया। इस युद्ध में मराठों की जीत में तुकोजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार का मुख्य जिम्मेदारी महादजी शिंदे के ऊपर था। 1780 तक तुकोजी ने महादजी के हर मुहिम में उनका साथ दिया, लेकिन सन 1780 के बाद से महादजी और तुकोजी के बीच मतभेद होने लगे और समय के साथ ये मतभेद काफ़ी बढ़ गया और इसका परिणाम बड़ा घातक हुआ। 1793 में होलकर और शिंदे राजवंश के मध्य लाखेरी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में तुकोजी होलकर बुरी तरह पराजित हुए और होलकर सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। इस युद्ध में जीत के बाद भी महादजी ने विजय उत्सव नहीं मनाया, क्योंकि होलकर और शिंदे दोनों के लिए ये युद्ध बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इस युद्ध ने होलकर और शिंदे राजवंश के बीच बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी। 1795 में तुकोजी ने खरड़ा के युद्ध में भाग लिया। उस वक्त तक तुकोजी काफी वृद्ध हो चुके थे, शारीरिक कमजोरी भी थी, लेकिन नाना फडणवीस के कहने पर उन्होंने युद्ध में भाग लिया। ये युद्ध हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध था। ये आखिरी युद्ध था जिसमें सभी मराठा सरदार आपसी मतभेदों को किनारे रखकर पेशवा के परचम तले लड़े थे। ये तुकोजी होलकर का भी अंतिम युद्ध था। इसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। 1795 में मातोश्री अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया। उनका कोई संतान नहीं होने के कारण इंदौर का शासन तुकोजी होलकर ने अपने हाथों में लिया। इंदौर के समस्त प्रजा ने भी तुकोजी को अपने शासक के रूप में स्वीकार किया। तुकोजी का शासनकाल मात्र 2 साल का रहा, क्योंकि 1797 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनके पुत्र काशी होलकर शासक बने और बाद में उनके दूसरे पुत्र यशवंतराव होलकर इंदौर के शासक बने, जो होलकर वंश के सबसे पराक्रमी और महान शासक थे। 15 अगस्त सन 1797 में तुकोजी होलकर का निधन हुआ। वे पूरे जीवन काल मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई होलकर के विश्वासपात्र बने रहे। पूरी निष्ठा से उन्होंने मराठा साम्राज्य और मालवा की सेवा किया।